मिर्ज़ापुर ज़िले का मुख्यालय, जो कि आज के इस वीडियो जो हम आपको बताने वाले हैं मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचेंगे मिर्ज़ापुर, जहां पे बहुत सारे सीरीज भी आपने देखा होगा, वेब सीरीज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिर्ज़ापुर की अच्छी और सबसे सुंदर जानकारी जो आप तक आप नहीं जानते होंगे। मिर्ज़ापुर जिसका स्टेशन कोड है दोस्तों MZP, आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। 3 प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रैक बनाए गए हैं। हालांकि उतना बड़ा भी रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ से अलग अलग तरीके से गुजरती है। पूर्वा एक्सप्रेस हो या राजधानी हो, मिर्ज़ापुर होते हुए अनेक जगह पे जाती है, जो कि अलग अलग जगह पे लाइन को जोड़ती है। ये रेलवे स्टेशन का नज़ारा है जहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्ज़ापुर का बोर्ड भी लगाया गया। स्टेशन पूरी तरीके से स्वच्छ रखा जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ साथ अंदर में आपको इस तरीके से बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है पुलिस थाना भी है, रेलवे पुलिस थाना भी है, तो ये भी आपको मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन के अंदर ही मिल जाएगा। जगह जगह पे बैठने का सुविधा है, जल भी मिलता है, खाने पीने का सुविधा आपको यहाँ पे अवेलेबल बहुत सारा मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक जो भी ट्रेनें हैं वो यहाँ पे ज़रूर रुकती है। तो स्टेशन कोड MZP जब भी आप सर्च करेंगे, जोन जो है वो नॉर्थ सेंट्रल में पड़ता है, डिवीज़न अलाहाबाद पड़ता है। 1864 ईस्वी में ओपन किया गया था, हालांकि इसको इलेक्ट्रीफाइड 1965 से 1966 के बीच में इलेक्ट्रीफाइड किया गया। तो पूरी तरीके से हजारों की संख्या में हर रोज़ यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ आपको मिल जाएगा, जैसे ही स्टेशन से बाहर जाएंगे पार्किंग आपको मिल जाएगा। स्टेशन के अंदर जो है आपको व्हीलचेयर वगैरह भी अवेलेबल मिल जाएगा, दोनों पार्क कर सकते हैं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर दोनों को आप पार्क कर सकते हैं। और पूरी तरीके से जो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन है या इलाहाबाद मुंबई लाइन, उन सभी को यहाँ से कनेक्टेड किया गया है, जोड़ा गया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब भी आप यहाँ पर जाएंगे। अगर आप यहाँ हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं मिर्ज़ापुर, तो आपको बता दें कि वाराणसी एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा, वहाँ से कुछ ही दूरी पे मिर्ज़ापुर पड़ता है। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट भी है और हज़ारों की संख्या में लोगों की जनसंख्या यहाँ पे हमेशा होती है। और कुछ दिन पहले आपने यहाँ का मिर्ज़ापुर का वेब सीरीज भी देखा होगा, जो कि पूरी तरीके से रियलिटी किस तरीके से यहाँ पे पहले था राज, इन सभी चीज़ों को इस वीडियोज में जो है अगले जो वेब सीरीज है उसमें दिखाया गया। तो ये था मिर्ज़ापुर जंक्शन का रेलवे स्टेशन का जानकारी, जो कि पूरी तरीके से बहुत ही सुंदर है। यहाँ तक आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर भी है, विद्यांचल मंदिर भी है, जहाँ पे लोग जो है पूजा अर्चना करते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के बगल में पड़ेगा। जैसे ही आप एग्जिट होंगे, ये देख सकते हैं एंट्रेंस गेट, यहाँ से एग्जिट होंगे, इस तरीके से पार्किंग का व्यवस्था है। इसके साथ साथ यहाँ से ऑटो आपको मिल जाएगा, जो सामने लगी हुई है ऑटो आपको जो है जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से होटल आप यहाँ पर ले सकते हैं। पे अलग अलग जो नदियां हैं वो देख सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर है मिर्ज़ापुर का ये दृश्य है दोस्तों, जो हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी जनसंख्या है लोगों की यहाँ पे, और जब भी आपका कोई भी काम पड़ता है तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ के जो अगल बगल में जो चीज़ें हैं उसको आप देख सकते हैं और घूम सकते हैं। पूरी तरीके से जो है यहाँ मार्केट है, यहाँ से मार्केट भी कुछ ही दूरी पर है। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको मार्केट मिल जाएगा, जहाँ पर आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय जाना हो या फिर SP कोठी जाना हो, उन सभी जगह पर आप यहाँ से जा सकते हैं। मिर्ज़ापुर में आपको बता दें कि हॉस्पिटल भी है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी प्राइवेट है, दोनों का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, फ्री में इलाज करा सकते हैं। और ये कुछ जनसंख्या जहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ट्रेनें आती है तो इस तरीके से लोग लाइन में लग जाते हैं और फिर जो है वो खाना वगैरह बेचते हैं। तो खाना के लिए आपको यहाँ पे हमेशा अवेलेबल मिल जाएगा, जो है लगातार बेचते ही रहते हैं ये लोग खाना, तो खाना आप कभी भी ले सकते हैं जब भी आप आते हैं। चाय वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये रेलवे पुलिस भी थाना है और ये मिर्ज़ापुर का।